Listen. Exercise 8.1, question number 11 we were doing. First part and second part, I think we have done. First part. So for the second part, we want to show that B, C, E, F is a parallelogram. This we want to show as parallelogram. And we have discussed one result. If in a quadrilateral, one pair of sides is parallel and equal, then it will be a parallelogram. So in the proof of this, the side BC of the triangle ABC is given as BC is equal to EF. This is given, and BC is also parallel to EF. Again, by the same result, if one side of a quadrilateral is one pair of opposite sides is parallel and equal, then it will be a parallel. So you will write there if one pair of opposite side is equal and parallel, this implies BCFE is a parallel. So this is your second part. BEFE. Name you can change. E F C B C F E B. Name for the next part is, yes, look here. If this B C E B is a parallelogram, yesterday we have proved that this AB, EB is a parallelogram. Ye show kiya tha kab parallelogram hai? Kaise show kiya tha? AB jo tha wo BE ke parallel equal tha. To ye kya ban gaya? Parallelogram. Agar ye parallelogram hai, iska jo another pair hai AB aur BE, wo bhi kya honge? Parallelogram. Wo kya kar sakte hain? Same way ye jo figure hai, ये parallelogram है. अगर ये parallelogram है, ये side already parallel equal है, तो next side की लेवरी इसकी क्या होगी? ठीक है? तो आप ये लिख सकते हो. First result है ना? First result का, उसके बाद ये add करो. First result के बाद ये को यहाँ पे. आप समझ रहे हो? मैं क्या बोल रही हूँ? फर्स्ट पार्ट की बात ऐड करो. आपने लिखा था ना एडी ईडी इज अ पैरेललोग्राम. उसके बाद देखो दिस इंप्लाई एडी इज पैरेलल टू बीई एंड एडी इज इक्वल टू बी. ठीक है. Now this small figure has become a parallelogram. So can we say that BE is parallel to CF and BE is equal to what is right this? अब देखो हमने लिखा फर्स्ट पार्ट में एडी जो है वो बीई के पैरेलल और इक्वल ही है. फिर हमने लिखा कि सेकंड पार्ट में बीई जो है वो सीएफ के पैरेलल है और बीई जो है वो सीएफ में इक्वल. हम इन्हें कंपेयर करो. एक बार हमने बोला ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो हमें तीनों आपस में क्या होगी? पैरेलल. तो आपके पास वो पैरेलल आ गया.
देखो इधर इतना आपसे बैठो सुन लिया की बात कर देते26 roll number 1 16 17 41 44 45 37 roll number 7 any doubt little bit complicated or different question अभी तक आपने ऐसा question नहीं किया
अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हमने कॉन्वेंसी के थ्रू रिजल्ट सारे प्रूव हो क्योंकि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू ट्रेपीजियम एंड ओनली वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप इज गिवन इन द ठीक है डिफरेंट क्वेश्चन है देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास पहले सिंपल एक मिनट समझ लो बाद में वगैरह से बात करते हैं पहले समझ ए बी सी डी जो है ट्रेपीजियम गिवन है ए बी सी डी जो है ट्रेपीजियम गिवन है ए बी सी डी ट्रेपीजियम गिवन है अब ट्रेपीजियम जो होता है उसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है बस यही होता है और कुछ नहीं होता एक ही प्रॉपर्टी है ट्रेपीजियम की जो वन पेयर ऑफ साइड है वो पैरेलल होती है एंड इसमें एक और चीज गिवन है कि ये साइड जो है उसके इक्वल गिवन है तो कौन से टाइप का ट्रेपीजियम हो गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ साइड इज इक्वल वैसे होता नहीं है लेकिन इसमें है तो इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे क्योंकि दो साइड इक्वल है ठीक है ये गिवन है अब इस क्वेश्चन के सिर्फ ये गिवन है इस क्वेश्चन की फिगर नहीं आती पेपर में याद रखना दी हुई है विद कंस्ट्रक्शन दी हुई है लेकिन पेपर में कभी भी फिगर नहीं आती तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज लर्न कर लेनी है पूरे दिन के अच्छे से ठीक है नेम चेंज हो सकते हैं इसलिए स्टेटमेंट लर्न कर लेना कई बार नेम चेंज करके क्वेश्चन आ जाता है और फिगर जो है गिवन नहीं होती तो आपने कर दी है कंस्ट्रक्शन भी आपने इसमें शो क्या करना है ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल पहले ये हो जाएगा फिर ये भी हो जाएगा ठीक है इसमें क्या करोगे आप यहाँ पर ये लाइन बनाओगे इसको रिड्यूस करोगे ये साइड इसके पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन ठीक है ये कंस्ट्रक्शन समझ आई एक लाइन बनाई ई ए सी ई व्हिच इज पैरेलल टू डी ए बाय कंस्ट्रक्शन जी साइड इसके पैरेलल होगी बाय कंस्ट्रक्शन जे ए बी इसकी ऑलरेडी पैरेलल है ठीक क्या बन गया पैरेलल है ठीक है तो ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये पैरेललोग्राम है अब देखो अब इसमें क्या हुआ जे साइड इसके इक्वल है और आपको पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है जे साइड इसके इक्वल है जे इसके इक्वल है गिवन जे इसके इक्वल है बाय पैरेललोग्राम या कंस्ट्रक्शन इस तरह तीनों साइड आपस में क्या होगी इक्वल ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी ये ट्रायंगल बन रहा है इसी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके बेस एंगल एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड का इक्वल तो एंगल मैं ऐसे नंबर ले लूं देखते हैं नेम देंगे कि नंबर वन और टू इक्वल होगा ठीक है एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड का अब देखो मैं प्रूफ सारा बात नहीं करती पहले इसको समझना जरूरी है क्योंकि समझ आ गया तो आप लिख लीजिए ये दोनों एंगल इक्वल हो अब ये क्या बन रहा है तो वन और थ्री का सम क्या हो गया ठीक है अब ये देखो ये एंगल फोर हो गया आपको लाना क्या है थ्री इक्वल टू फोर आपको लाना क्या है थ्री इक्वल टू फोर ए और बी इक्वल कर लेते अब देखो ये और ये कौन से एंगल है तो एंगल टू और फोर का सम क्या हो गया ठीक है दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर लो 1 plus 3 180 है 2 plus 4 180 है दोनों को इक्वल कर सकते हैं 1 plus 3 इक्वल टू 2 plus 4 दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी इक्वल अब 1 किसके इक्वल है कैंसिल हो गया आ गया 3 इक्वल टू 4 सही ना 1 और 2 क्या है इक्वल तो 2 की जगह मान लो 1 और 1 कैंसिल वन की जगह टू लिख दो टू वन लिख दिया तो इसको मल्टी करो क्लियर है पैरेलल की है बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव ड्रॉन अ पैरेलल क्लियर बस मेन फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट आ गया तो सारे अब सेकंड भी बहुत इजी है इसको नंबर दे देते हैं 5 6 अब शो करते हैं 5 6 के इक्वल है 4 plus 5 क्या है 3 plus 6 क्या है 3 और 4 इक्वल है कट कर दो 5 मेन पार्ट है फर्स्ट फर्स्ट आ गया तो सारे एक और बात ये क्वेश्चन जैसे 4 पार्ट गिवन है ना
अगर सपोज करो थर्ड पार्ट आ गया प्रूव करने, तो फर्स्ट भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, थर्ड प्रूव करने के, तो लर्न होगा तो पता चलेगा ना, बात समझ आई? पेपर में आता है ऐसे आ जाता है, एक सेट में फर्स्ट के साथ थर्ड पार्ट आ जाता है, दूसरे सेट में सेकंड के साथ फोर्थ पार्ट आ जाता है, या एक सेट में सिर्फ थर्ड, एक सेट में सिर्फ फोर्थ, तो थर्ड के लिए फर्स्ट और सेकंड भी चाहिए, ठीक है, और फोर्थ के लिए भी वो चाहिए, तो उसका सारा प्रूफ सेम, समझ गए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम टाइम, और एग्जैक्ट नहीं आता, नेम चेंज करके आता है, तो फिगर आपने बनाया, ठीक है, फिगर ड्रॉ, मैंने नंबर लिए, नेम भी कर सकते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होता है नंबर देने के, उससे काम कम हो जाता है। चलो फिगर ड्रॉ करो, फिर लिखते हैं अपनी। हाँ जी, मैं प्रूफ बोलूंगी फिर आप अलग लिखोगे, सबका तभी सेम होगा। हाँ जी, गिवन में ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। टू प्रूफ में फोर पार्ट्स लिख लो, टू प्रूफ में फोर पार्ट्स लिख लो, क्या आएंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी, अभी ट्रायंगल तो बन नहीं रहे थे, हाँ जी डायगोनल बना देंगे ट्रायंगल बन जाएंगे, अभी बन नहीं रहे, कंप्लीट नहीं है ट्रायंगल, तो डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल बन जाएंगे, अभी करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, आफ्टर राइटिंग प्रूफ वी विल लीव एट लीस्ट टू लाइंस बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ, फोर पार्ट इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये सिटी से आ रहा है, ठीक है, ये करते पहले ये कर लो, देखो प्रूफ कंस्ट्रक्शन आएगी पहले, कंस्ट्रक्शन क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, देखो कंस्ट्रक्शन बनी हुई है लेकिन वो कंस्ट्रक्शन है, पेपर में नहीं आती, देखो इधर राइट डाउन, कंस्ट्रक्शन में लिखो प्रोड्यूस ए बी टू ई, प्रोड्यूस ए बी टू ई
कोशिश किया करो, टू प्रूफ के बाद एक टाइम छोड़ के कंस्ट्रक्शन लिखा करो. प्रोड्यूस ए बी टू ई सच दैट एस पी सच दैट सी इज पैरेलल टू ए बी सच दैट सी इज पैरेलल टू ए बी या डी ए. पैरेलल में नाम लिख सकते हैं जैसे मर्जी, इक्वल में ध्यान देना होता है. ठीक है, ए डी लिखो डी ए लिखो बोथ आर सेम. क्लियर? ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लीव वन लाइन अगेन देन स्टार्ट प्रूफ. ठीक है, एक और लाइन ऐड करनी है वो बाद में करते हैं. टू लाइन छोड़ देना. प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं. प्रूफ कहां से स्टार्ट किया था? सबसे पहले लिखा था सीई जो है ए बी के क्या है पैरेलल, और ए बी किसके पैरेलल है? ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है. ए बी अगर इसके पैरेलल है तो ए ई भी इसके क्या होगा? पैरेलल होगा कि नहीं? अगर ये छोटे वाला पार्ट इसके पैरेलल है तो ए ई भी क्या होगा? इसके पैरेलल. तो ए ई इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, नाउ ए ई सी डी हैज बिकम दिस इंप्लाइज. आप बात समझ रहे हो, कोऑर्डिनेटर के केस में वन पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के केस में इफ बोथ द पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल ओनली, इक्वल पैरेलल हो तब भी चलेगा, सिर्फ पैरेलल हो तब भी वो पैरेलल है. आप समझ रहे हो? ठीक है, तो ए सी डी इज अ पैरेलल, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम. क्लियर? अब ये पैरेललोग्राम बन गया तो आपके पास क्या आ गया? अब और क्या लिखना था? एंगल लिखो, एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 किससे हुआ है? लीनियर. एंगल 2 प्लस 4 क्या है? 180. 4 इंटीरियर एंगल. अब एक चीज और, क्या इक्वल वाला कौन सा? एंगल वन. इसमें कुछ पूछना है? हाँ, वो एंगल वन प्लस फोर एंगल फोर वन और फोर पैरेलल में बार बार एंगल बन गई अंदर आगे कर लीजिए. ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये कहाँ से आया है? यह गिवन है. और AB is equal to CE, ये कहाँ से आया है? पैरेलल है, by construction. या A पैरेलल, sides of पैरेलल. By construction, वो तो वो तो पैरेलल है. तुमसे पैरेलल किया ना, पैरेलल है तो बात नहीं. इसलिए लिखा है, by construction ही पैरेलोग्राम. ठीक है? अब AD BC के इक्वल है, AD CE के इक्वल है. AD AB हटा दो, BC किसके इक्वल आ गया? CE. अब ये ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो गई, तो एंगल कौन सा इक्वल होगा? 1 इक्वल टू एंगल क्या हुआ? सर एंगल्स क्वेश्चन क्या हुआ? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ठीक है, चलो अब करें कंबाइन. 1 + 3 = 180 + 4 = 180. तो 1 + 3 किसके इक्वल हो गया? ये 1 और 2 इक्वल है,
कैंसिल हो गए बी फोर के इक्वल आ गया, बी फोर के इक्वल आ गया मतलब ई बी के इक्वल आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है, मेन फर्स्ट पार्ट ही सबसे बड़ा है, सेकंड क्या है उस पर डिपेंड है। तब क्या होता है सेकेंड पार्ट रख कर दे, फॉर द सेकेंड पार्ट फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट, आपको चाहिए फाइव इक्वल टू सिक्स। फोर प्लस फाइव का सम क्या है फाइव, तो 3 प्लस 6 का सम क्या है इज द सेम पॉइंट क्लियर एंगल, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 3 इज इक्वल टू हाउ तो क्यों 2 पे क्या आएगा देखो, अगर आपको सेकंड पार्ट आ रहा है तो आपको फर्स्ट भी करना पड़ेगा। अब फाइव टू सिक्स आ गया, इक्वल आ गया, थ्री और फोर क्या आ जाएंगे स्टेप इफेक्ट है, क्या लिखा है वो आपकी जगह लिख लेते हो, क्योंकि इक्वल थ्री से थ्री फाइव इक्वल टू फाइव का नेम क्या है सिक्स का नेम क्या है तो दिस टू बी योर सेकंड पार्ट क्लियर। एक्चुअली क्वेश्चन पता है क्या है, ट्रेपीजियम की दो साइड पैरेलल होती हैं, तो वहां से एक रिजल्ट आता है कि बेस एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर इक्वल, तो इसकी जगह ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रूव दैट बेस एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर इक्वल, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 4 के इक्वल करना है 5 6 के इक्वल, तो क्वेश्चन ऐसे की बजाय ऐसे भी आ सकती है, तो खुद करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूरा ही करना पड़ेगा। समझ गए आप मैंने क्या बोला है, बेस एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, वो प्रूव करना हो तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों करना है। पहले कंस्ट्रक्शन करनी है, ये मैं रख कर देती हूँ, अगर कहीं हम तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन में जॉइंट एसी एंड बीडी, कंस्ट्रक्शन में लिखो जॉइंट एसी, पहले वाली कंस्ट्रक्शन में ऐड करो, पहले वाली कंस्ट्रक्शन में ऐड करना है, डोंट मेक अनदर पॉइंट, ठीक है, जॉइन एसी एंड बीडी। नाउ द थर्ड पार्ट यू हैव टू शो दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉमन, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ले लिए दोनों ए बी ए बी कॉमन और नेक्स्ट क्या है रीजन
Rental of a point for inviting property. Yes. Yes. Now in the fourth part. Sanji, she or he? Equal element. These are the sides of the congruent triangle. So, we have AC is equal to BD by CD. चलो करो क्वेश्चन फिनिश हो गया बाकी कल स्टार्ट होगा क्योंकि थ्योरम करवानी है मुझे सब प्रूफ देखते हैं करवाना है तो कल करवाएं आपके इस एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स ही मैंने डिस्कस करे थे लेकिन टू एग्जांपल्स ऐसे जो मैंने डिस्कस नहीं करे वो आप रीड कर लेना मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं वो रीड कर लेना आज एक है एग्जाम्पल नंबर सिक्स बस एक सी है बाकी कर लिए फिर भी पढ़ लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या पढ़ो इसे एक बार दो बार रीड करो